हम तो सब एक बाकी तो हमारे जो आर्चर्स हैं उनमें कोई कमी नहीं है, एक पता नहीं एक कुछ कहीं पे कुछ हंसा हुआ है अभी। हाँ बिल्कुल, अतनु सर ने कहा है कि 3 साल के बाद हमने लेना है। अभी तो बहुत बड़ी वो सर अभी सर हमें इतना फेवरेबल जो एटमॉस्फेयर जो आर्चरी के लिए लग रहा है ना सर, सीसी साहब खुद इतने इंटरेस्टेड हैं, बाकी साहू साहब है, रविंद्र साहब है, डीसी साहब है, तो इसी पीरियड में अगर कुछ हो सके तो हमें बहुत उम्मीद है सर, क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं सर इस चीज़ को। सीसी साहब को याद पता नहीं होगा, आपकी पहली जो वो है क्या नाम है आइस हॉकी नेशनल टीम को स्पॉन्सर किसने किया? कौंसिल ने किया, लेह की कौंसिल ने नेशनल टीम को स्पॉन्सर किया। जब यहाँ टीसी था तो हमारी टीम कभी बाहर खेले नहीं गई, तो मैक्सिमम लद्दाख के लोग थे, एक दो लोग बाहर गए थे। तो उस समय मैंने दूसरे साहब से बात की, मैंने कहा आप बजट देते इनको भेजो जाओ बाहर। पहली जो है हमारी नेशनल टीम को स्पॉन्सर करने वाली है लेह की कौंसिल। पूरा जगह है लद्दाख, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल हैं। एंड यहाँ के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि बहुत हार्ड वर्किंग है जितना मैंने इनको देखा, और बहुत इंटरेस्ट के साथ गेम करते हैं। एंड मैं यही बोलूँगी कि वो आगे इसी तरह से सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। पहले तो नमस्कार, और पहली बार लद्दाख आए हैं और फैमिली ट्रिप पे थे,
और बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का सारा चीज़ अच्छा लगा। एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें हम लोग पहला दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था सबको थोड़ा बहुत, बट उसके बाद सब ठीक था और हम लोग बहुत इन्जॉय किए। यहाँ का फूड, यहाँ का वेदर, यहाँ का व्यू और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ का हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छा लगा। और आर्चर्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आर्चर्स का, और सही गाइडेंस और कोचिंग का ज़रूरत है ताकि वो आने वाले टाइम पे इंडिया कैंप पे या इंडिया के लिए खेलने जा सके लद्दाख के आर्चर्स की। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा से मेहनत करें और सिर्फ ये ना देखें कि हमारे पास क्या नहीं है, ये देखिए ज़रूर कि हमारे पास क्या है और उसी से हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कितना खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक मैसेज लद्दाख के आर्चर्स के लिए। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत की शान दीपिका जी और हमारे अतनु दास जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करते हैं कि आप लद्दाख आएँ। थोड़ा सा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि आपका यहाँ आना हमें मालूम नहीं पाया। लास्ट मिनट में आज मुझे बताया गया था हमारे यहाँ के जो आर्चरी एसोसिएशन ने, इन्होंने बताया कि आप यहाँ आए हैं और आज उनके ऑनर में जो है यहाँ पे एक डिनर होस्ट किया है। तो मैं यहाँ आया और इनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पायरिंग है, जब भी ये खेलते हैं तो इनको देख के जो है हमारा सीना चौड़ा होता है, सर फकर से ऊंचा हो जाता है। और दे आर द हीरो, दे इंस्पायर अस। और उन्होंने आज जो इंस्पिरेशन यहाँ के ले के जो आर्चर्स एसोसिएशन से मिल के जो है इन्होंने जो बातचीत किया, अपने ओपिनियंस रखा और जो सजेशन दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के युवाओं के साथ जो है इन्होंने अपने जो जो इनका जो है अपना एक प्राइवेट और एक पर्सनल ट्रिप था, ये कोई खास उद्देश्य के साथ नहीं आया था, वो स्ट्रेस आउट होने के बाद जो है ये लद्दाख के वादियों को चुना इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। बट फिर भी जो है इन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ के युवाओं के साथ बातचीत किया और काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया। और इन्होंने जो भी सजेशन दिया है, मैं हिल काउंसिल के तरफ से इनको अश्योरेंस देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इनके साथ कोऑर्डिनेशन में जो है यहाँ के जो है आर्चरी को भी जो है हम बढ़ावा दे पाएंगे और हमारे लोग भी जो है आने वाले दिनों में इंडिया के लिए खेलेंगे, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। बाकी मेरे साथ यहाँ पे हमारे यूटी प्रशासन के जो है कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे साहू साहब भी यहाँ पे हैं और हमारे स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हमारे रविंदर जी भी है, हमारे डिप्टी कमिश्नर लेके ले भी यहाँ पे है और भी जो स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड सभी ऑफिसर्स यहाँ पे है, हमारे आर्चरी एसोसिएशन के लोग है। और हम सब मिल के हमारा प्रयास रहेगा यहाँ के आर्चरी को हम बढ़ावा देंगे। यहाँ पे हमारा विस्तार में बातचीत हुआ है यूटी प्रशासन के साथ द्वारा जो है हमें पूरा सहयोग देने का, पूरा हमारा जो उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर बेहतरीन एक आर्चरी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा, जिसमें जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी के एक कोऑर्डिनेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम यहाँ पे आगे इस स्पोर्ट्स को ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। बाकी एक बार से फिर जो है